हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड भिंडी। उसके लिए पहले हम भिंडी को एक साइड से कट कर लेंगे और फिर उसे बीच में से एक लंबा कट लगा लेंगे। इस तरह से हम सभी भिंडी में कट लगा लेंगे। हमने यहाँ 500 ग्राम भिंडी का यूज़ किया है। अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम एक बाउल में 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर हम उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल और थोड़ा सा धनिया ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसे भिंडी में स्टफ कर लेंगे। हमारी सारी भिंडी अच्छे से स्टफ हो गई है। अब हम एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करके हमारी तैयार की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। सबको हम मिक्स करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। फिर हम उसमें 2 ग्लास खट्टी छाछ ऐड कर लेंगे। अब हम ऊपर से थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। हमें इसमें कम नमक यूज़ करना है क्योंकि हमने भिंडी में जो मसाला स्टफ़ किया था उसमें भी नमक था। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। जब हमारी छाछ में एक बॉईल आ जाए और वो अच्छे से उबल जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो करके उस पर लीड लगा देंगे और उसको 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी भिंडी अच्छे से बॉईल हो गई है या नहीं। हमारी भिंडी अच्छे से बॉईल हो गई है तो अब हम उसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो बन के रेडी है हमारी स्टफ्ड भिंडी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।